खान साहब को तो मैं ये कहूंगा पानी चुल्लू भर पानी ले, पूरी टीम को अपनी ले, डूब मर जाए बीच में, तू मर जा, मारना पे है डाकुआ मार पिछले एटम बम है इनके पास, सबको इकट्ठा करें उस आवाम पे चला दें, यकीन करें। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एंड तक देखिए, थैंक यू। इमरान खान समझ रहा हूँ ऐसा पेड़ा कर रहा है, यकीन करें मैं तो ये झोली उठाई हुई है, अल्लाह जानता है। 15 दिन हो गए बच्चे को टाइफाइड हुआ हुआ, 500 रुपये का टीका एक, मजदूर आदमी किधर जाऊँ बताओ। पहले हम काम करते थे पीतल का, वो छुट गया, रिक्शे पे आए हैं, उसकी गैस नहीं मिलती, मौसम गर्म, पेड़ा कर रख कर दिया इसने, एक पत्थर का पुतला के बिठा दिया पंजाब के अंदर, उसको कुछ जिधर दिल करता उसको बिठा देते हैं और बेड़ा कर रख कर दिया इस मुल्क का। आप यकीन करें मैं तो ढूंढ रहा हूँ भाई आपको बड़ी देर से कि मेरे दिल का कुछ भड़ास निकले बाहर। और कुछ कह लें जितना दिल करता है क्या, मैं तो मेरी बात सुन, अगर मैं ये कहूँ छोटी सी एटम बम है इनके पास, सबको इकट्ठा करें उस आवाम पर ही चला दें, यकीन करें। और जो आवाम से कर रहे हैं ना ये खाने में पीने में हर चीज़ में जो कुछ भी ड्रामा, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। आप खान साहब को तो मैं ये कहूँगा पानी चुल्लू भर पानी ले, पूरी टीम को अपनी ले, डूब मर जाए बीच में, तू मर जा, इमरान खान को मारना पे है, डाकुआ को मार पिछले को, पिछले डाकुआ को मार, बूट तुसी ना कटो में, तुसी फिर इधर तो है चोरों का साथी, चोर गंजे का साथी, गैरतमंद बन, लाल जी खा हराम जी खा, सच बोल, दयानदारी कर, नजरदारी किसी का नहीं, यकीन करो जो करते पे पाकिस्तान देखना, आज तो 2 साल बाद 4 साल बाद देखना की उन्होंने साडे वास्ते की कीता है, हले सानू तो कुछ नहीं पता चलना, तो तुसी बेवकूफे गए हो ऐसे। क्या इमरान खान ने क्या किया है उनको पकड़, मैं बात बात बताता हूँ आपको, इमरान खान ने क्या किया है, मुझसे ज्यादा इमरान खान को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कह रहा था चोर है चोर, उनसे पैसे निकलवाए, हमसे क्यों निकलवाता है, उनको फांसी लगाए, उनसे निकलवाऊंगा, निकलवाए ना भाई, उनको अंदर कर दिया, गरीब को सुने मेरे भाई, गरीब बंदे को फांसी लगा देते हैं, एक जूती चोरी हो जाए उसको 6 माह कैद हो जाती है, जूती भी निकल आती है और भी चीजें उस पर डाली जाती है। खान साहब बुरे हैं सर, थोड़ी सी महंगाई हो गई है, थोड़ी सी नहीं हुई, यहाँ पे लोग खुदकशियां कर रहे हैं, थोड़ी सी नहीं हुई मेरे भाई, पहले भी लोग करते थे, मीडिया को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए, ठीक है उनके अच्छे क्या करे मीडिया, मीडिया क्यों नहीं, मीडिया क्या करे, आपके घर में जाकर रोटी दे दे, लेकिन अवाम तो मर रही है ना, अवाम को कुछ नहीं मिलेगा, अवाम को रोटी नहीं मिलेगी तो फायदा कोई भी नहीं, इमरान खान को किस लिए लेके, किसको अल्लाह, इस उनका वक्त हम देख चुके थे, पीपी का भी देख चुके थे, नून लीग का भी देख, इमरान खान को लेके किस लिए, किस लिए ले, मुल्क की बेहतरी के लिए, तो फिर बेहतरी क्यों, मुल्क की बेहतरी के लिए आएगी या आवाम के, आएगी ना, कब आएगी, कब कब, मुल्क खुशहाल होगा, वहाँ खुशहाल होगी, जिन तो नहीं है जादू का, चिराग घिसाएंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। यार मैं ये नहीं कहता इमरान खान की ओवरऑल जो है ना परफॉर्मेंस, सुन ले, ओवरऑल परफॉर्मेंस सुन ले, हाँ मैं मानता हूँ ये तो मैं कहता हूँ करप्ट नहीं है, लेकिन इस आवाम का क्या कसूर है, आते ही अमीर लोगों को पकड़े, पहले भी रोटी खा रही थी अब भी खाएगी, ठीक है सारे मामला होंगे, रोटी नहीं रोटी खाएगी, लेकिन इस तरह सारा कोई ठीक है, मैं जस्ट कहता हूँ कि गरीब आवाम जो है इसके ऊपर जो टैक्सेस लगा दिए गए हैं तरह तरह के, जिम्मेदार रो रहा है, छोटे बिजनेसमैन यहाँ पे आप जाएं, ये पूरी मार्केट रो रही है कि बिजनेस गाहक ही नहीं है, गाहक आएगा तो इनके घर चलेंगे ना, अब गाहक क्यों नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, मजदूरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा, नवाज शरीफ के दौर में कर्जे चढ़ रहे थे, मैं ये नहीं कहता वो अच्छे थे, लेकिन मुल्क जो आवाम थी वो कुछ बेहतर थी, उनके घर में रोटी बन रही थी, मैं ये जस्ट कहता हूँ काम यार इस तरह नहीं होते मेरे भाई, मेरी बात हॉस्पिटल में बताएं, पहले फ्री फ्री मेडिसिन थी, आप पैसे लेते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, पता है आपको, मैं खुद पिछले दिनों गया हूँ म्यू हॉस्पिटल, किसी ये हर बंदे ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे काम किया, किसी से कोई पैसा नहीं लिया, ठीक है नहीं वो दिखा से। आप पर्ची कौन सी पर्ची, मैं टीवी में टीवी का मरीज हूँ, मेडिसिन लेने गया, उन्होंने पैसे आधी मेडिसिन उधर से दी, दो गोलियाँ, बाकी सारी इधर नूरी मेडिकल स्टोरेज थी अनारकली में, मैंने ली हैं,
ये पीछे मेडिसिन है, सिर्फ दो गोलियां। छह माह का कोर्स होता है टीबी का और फ्री इलाज होता है, और सिर्फ दो विभाग से मैं ले रहा हूँ, फोर्ड गरीब बंदा फोर्ड कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन बदतर होती चली जा रही है। जिस तरीके से वहां का शासन काम कर रहा है उससे जनता का गुस्सा फूट पड़ा है, और जनता सड़कों पे आके अब तो बिल्कुल बेकाबू हो गई है, और अब लोग इमरान खान का नाम सुनने को भी तैयार नहीं है। हालात इतने बद से बदतर है, सरकारी अस्पतालों में भी लोग पैसा दे के इलाज करवा रहे हैं, कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है। सब्जी और दाल रोटी के दाम आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल है नहीं देश में, और अब तो सारी इंडस्ट्री भी गिरवी रखनी पड़ रही है पाकिस्तान को। कोई भी पाकिस्तान के अंदर निवेश नहीं करना चाह रहा क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं, क्योंकि सरकार मज़े कर रही है, फौज मज़े कर रही है, और वहाँ की जनता भूखी मर रही है। ये हालात आज से नहीं है, पिछले 70 सालों से जो चूरन चटा रहे हैं कश्मीर का पाकिस्तान को, उसकी वजह से ये हालात हैं, क्योंकि सारा पैसा तो हथियार खरीदने में लग रहा है और बुनियादी सुविधाओं के लिए कुछ भी पैसा नहीं है इनके पास। और अब तो जनता बिल्कुल बस बेकाबू हो चुकी है, अब जनता रुक नहीं सकती क्योंकि इमरान खान ने हालात इतने गंदे कर दिए देश के अंदर 2 साल के अंदर ही। और आगे देखते जाइए फ्रेंड किस तरीके से पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते हैं। धन्यवाद।